till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. और दोस्तों किधर पे हो रही है बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है थर्सडे, तो फिर थर्सडे के दिन पे मम्मी को बहुत ज़्यादा काम रह जाता है, तो फिर वो लंच नहीं बनाती, मुझे ही बनाना पड़ता है। और यहाँ पे मम्मी पूजा में लगी हुई थी, तो फिर क्योंकि लेट हो जाता है ना ऊपर से पूजा करते हुए, तो थर्सडे के दिन ज़्यादा लेट करके पूजा करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पर मैं ही लंच बना ले रही थी, तो फिर चावल दाल और जैसे कि जो केले का था, केला ही था और कुछ था भी नहीं, तो फिर केला और आलू को का मैंने ऐसे नॉर्मल सा जो थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा जैसे सॉटे करके उसको करते हैं, तो वैसे ही बना लिया था यहाँ पे उनके लंच के लिए, ताकि नॉर्मल सा खाना भी हो जाए, अच्छा हो जाए, तो फिर इसलिए यहाँ पे मैं बना रही थी। और इधर पे देखिए यहाँ पे लग चुकी है, यहाँ पे इसमें कीड़े बग्स लग चुके हैं, अब इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि जो डोनाल्ड डक वाला था ना वो गया पूरा अच्छे तरह से। अब पता नहीं मम्मी ने इसको क्यों लगा के रखा हुआ है। और इधर पे बस ये वाला ही कलर बचा हुआ है, अब पता नहीं क्या होगा उसका भी। तो फिर ये डोनाल्ड डक जो लाइट थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर में था वो मर चुका है उधर, और इधर पे बस ये वाला ही है। और ये वाला ना बहुत अच्छे से हो रहा है, कोई फूल वाला तो नहीं, बस नॉर्मली जैसा भी है वही है। और इधर पे आप लोगों को दिखाती हूँ आज कितने सारे सदाबहार हुए हैं वाइट कलर में, और पिंक वाला तो होता ही है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और इधर पे लंच पापा लेके जा चुके हैं, और इधर पे वाई वाई खाएंगे। तो आप लोग सोचे क्या है, कौन सा वाला है, बता देती हूँ। वो ये बहुत ज़्यादा मैं जब पीजी में मतलब कि बैंगलोर में रहती तो ये खाती थी, क्योंकि मैं जो भी दोस्त लोग थे ये खाते, तो मुझे क्या है ये, तो फिर ये मैगी टाइप सी है, नूडल्स टाइप, बट ये कि ये लोग कच्चा भी इसमें खाते, और इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, मंचिट, ये सारे इंस्ट्रक्शन अलग अलग, एक मंचिट लिखा है, एक सूपिट और एक लंचिट। तो मंचिट में इसमें लिखा है कि डायरेक्टली उसको क्रश करो, उसमें जो मसाला पैकेट है उसको ऐड करके उसको मिक्स करके खा लो, और सूपिट मतलब कि गर्म पानी दे के और उसमें मसाला जो है वो करके, जैसे सूप मतलब थोड़ा पानी पानी जैसा रहेगा वो है, एंड लंचिट मतलब कि जैसे बॉइल्ड मैगी खाते हैं वैसा दिया हुआ है। तो फिर मैं लेके आई, तो मम्मी बोलती क्या है कौन सा है, तो इसको ऐसे ही खाते हैं। तो एक पैकेट मैंने परसों या तो कभी कभी तो खाया था, तो वो देखिए कच्चा कौन खाता है, बट लोग खाते ही हैं। कल मैं कोरियन सीरीज़ एक देख रही थी, तो फिर उसमें भी मतलब कि ये लोग वैसे ही खा रहे थे, लिटरली वैसे ही खा रहे थे, तो मतलब कि उसको कच्चा वो ही मसाला मिक्स करके ही खा रहे थे। बट मैंने कभी बॉइल्ड वाला खाया नहीं है, तो मम्मी तो वैसा कच्चा वाला खा नहीं सकती है, तो सोच रही हूँ कि दो पैकेट बॉइल करके देखते हैं आज कैसा लगता है, तो इसको बनाते हैं आज। I guess no one's to blame, nobody crossed the line. और इसमें ये तीन पैकेट्स भी रहते हैं, ये चिली वाला पाउडर है समथिंग, ये कुछ सीजनिंग जैसे मैगी में मसाला रहता है ना, ये वो वाला है। एंड इसमें एक्स्ट्रा दिया ऑनियन फ्लेवर्ड ऑयल, अब पता नहीं मैंने कभी ये ऑयल तो यूज़ नहीं किया था, बस मसाला ऐड करके ही खाते हैं। अब
लेट्स सी ऑयल यूज करना है कि नहीं करना, पता नहीं कैसा लगेगा। और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये हो जाने के बाद। तो इसमें जो लास्ट में चिली फ्लेक्स था उसको डाल दिया है जो उस पैकेट में था। ठीक है, नॉट बैड, बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा लग रहा है। और इधर पे ये अभी भी हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। और इधर पे क्या लिखूं करके मैं सोच रही हूँ। तो फिर अभी तो नवंबर का महीना है तो लेट्स सी कुछ बनाते हैं ऐसे। इसमें सारे चौक पीस रहते हैं जो लक्ष्मी दीदी आके बाहर करती है, तो सब स्टॉक रहता है इसमें। क्रिसमस के टाइम पे फिर से चेंज होगा, अभी और चेंजेस नहीं करूँगी, बस यही। तो बीच बीच में चेंजेस करना चाहिए, तो इसी बात के लिए तो मैंने ये चेंज किया हुआ है। एंड यस, वहाँ पे भी मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं उस वाले शेल्फ में, आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कल दिखाना मैं भूल गई थी, तो आज दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। सोचू ये मूर्खा देखी और यहाँ पे मतलब कि क्या बोलूँ, इसको तो सुलाई थी क्योंकि आज मैंने इसको गिरा दिया, जानबूझ के गिराया मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रही थी तो उसका हाथ पैर टूट गया है, तो इसलिए वो सो रही है, आराम कर रही है। और देखो उसको लात मारी और यह मोबाइल चलाते चलाते यहाँ पे वो नींद में सो चुकी थी, ऐसे पकड़ के मैंने कहा कि क्या कर रही है, सो रही है क्या। अच्छा मैं बोलती हूँ नींद आती तो सो जाया कर, नहीं ऐसे ही मोबाइल देखते ही रहेगी। एंड यस इधर पे जो लैंटर्न था ना रखा था हमने, तो इसके अंदर मैंने वो छोटे छोटे वुडन टॉयस रख दिए हैं, तो अच्छा भी लग रहा है इसके अंदर। और कुछ फेरी लाइट्स लगा दिया है। एंड ये जैसे जैसे नॉर्मल रहता है वैसे। एंड मैंने बताया नहीं था ना, जिब्रा के अंदर भी मैंने एक ग्लास रखे, उसके अंदर सारे फेरी लाइट्स लगाए हुए हैं। और ये जो दिखाया था ना मैंने आपको लोटस वाला बैम्बू, इसका हालत ख़राब, मम्मी ने फिर भी इसमें रखी हुई है, बट स्टिल वो जा ही रहा है, पता नहीं उसका क्या करना है। एनीवेज, और ये पार्ट तो आपने देखा ही होगा, तो सेम इसको ऐसे करके रखा है। एंड ऊपर में जैसे नॉर्मल था वैसा ही, ऊपर में कुछ चेंजेस नहीं है, वैसा ही है, बस ये वाला थोड़ा बहुत चेंजेस किया था मैंने कल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और इधर पे आज हो रहे हैं फ्राइडे, तो वे कल एंड करना मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं भूलती क्या हूँ, मतलब कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और मतलब कि ख़त्म होते होते 10:30-11 बज जाते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना करके फिर सो जाती हूँ, तो ये हो जाता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता था जैसे कि आप लोगों को पता है। तो वही चीज़ सारा कल वो सब करके फिर उसके बाद थोड़ा सा लंच करके मैं बैठ जाती हूँ। कभी कभी लंच कर लेती हूँ, कभी कभी बाद में कर लेती हूँ, जैसे कि 2:30 या 3:00 को ऐसे ही कर लेती हूँ।
तो फिलहाल तो कल मैंने लंच करके बैठ गई थी और इधर पे हाँ बहुत लोगों को शायद से नहीं पता होगा कि पता नहीं आजकल आप लोग नोटिस कर रहे हो कि मेरे वीडियोस आजकल 3:30 को आ रहे हैं, तो फिर मैंने अपना टाइमिंग फिक्स करके रख चुकी हूँ। हाँ कभी कभार अगर लेट हो गया तो फिर टाइमिंग यहाँ से वहाँ हो सकता है, बट जैसे कि मेरा ऑफिस के वजह से जैसे 1 o'clock से है तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो इसलिए वीडियोज़ आजकल आप लोगों को 3:30 को ही आ जा रहा है। तो वे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे एंड यस रेगुलर वीडियोज़ आ ही रहे हैं। आई होप आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि हर दिन आजकल वीडियोज़ आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ, अपने छोटी दिवाली से लेके अभी तक मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे टाइमिंग का भी पता चल चुका है कैसे क्या करना है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था टाइम के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को सेटल करने के लिए सब कुछ, तो उसी हिसाब से मैंने कर लिया। बहुत सोच सोच के फिर अपना टाइम एडजस्ट कर रही हूँ। तो यही था बस, और आज हो गया है आज का, तो आप लोग कल देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए मैं रखती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी रखिए। ये वाला डायलॉग मैंने बहुत दिनों से नहीं बोल रही थी, सॉरी उस चीज़ के लिए। चलो बाय बाय।